आज पटना के होटल अशोका में रियल एस्टेट कंपनी साया होम्स के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें साया होम्स में नोएडा में बन रहे अपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी। साया होम्स के निदेशक ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हम लोगों ने पटना वासियों को राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय प्रोजेक्ट खरीदने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आज के फेस्टिवल कैंपेन में लगभग 500 लोगों ने NCR में फ्लैट खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। साया होम्स ने अपने दो अन्य परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। जी, मैं मनोज जैन, डायरेक्टर साया होम्स। हम लोग पटना बिहार आए हैं आज। वैसे सभी लोगों ने बिहार पटना से घर हमारे यहाँ परचेज किए हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का क्या है कि वो सब दुखी रहते हैं, उन लोगों के रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, वो सब यहाँ पटना रहते हैं। बड़ी सारी क्वेरी होती है माइंड में कि दिल्ली में क्या चल रहा है, NCR में क्या चल रहा है, कैसा रियल एस्टेट का मार्केट है, रेरा जाने से क्या हो गया, क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हमें लगा क्यों ना हम लोग अपनी टीम को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल लेके यहीं पटना और बिहार में आए और लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएँ। तो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे साया जी ऑन एक्सटेंशन वेस्ट और साया गोल्ड एवेन्यू, साया एस क्लास, इन सब की डिटेल्स हम लेके आए हैं और सब लोगों के साथ आज हम शेयर यहाँ करना चाहते हैं। बिहार के सबका बिहार की बिहार की जो पहचान है वो यहाँ की जो सभ्य भाषा है, और जब हम बिहारवासियों से बात करते हैं तो बड़ा अपनापन महसूस होता है। जब हम लोगों से वहाँ मिलते हैं दिल्ली या NCR में, जब लोग यहाँ आते हैं तो हमें लगता है उनको एक नेचुरल एक अट्रैक्शन होता है गाजियाबाद या नोएडा एक्सटेंशन से। जब वो अपने घर परचेज करते हैं उन्हें भी होमली फील होता है। ये बिहार से थोड़ा नाता है हम लोगों का, और ऐसे ही लोग जैसे जिसको बोलते हैं ऐसे ही कोई नहीं कहीं एक्सपीरियंस कर सकता है। उन लोगों को जब लगता है कि ये लोग अच्छे हैं, इन लोगों से कर सकते हैं, तब तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, बीच में काफ़ी समय से ये हुआ, पिछले 2-3 सालों में कुछ प्रोजेक्ट्स में लोगों ने पैसा लगाया और हम लोग उनकी बदनामी हुई, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी एजुकेशन की जरूरत है। आज हम यहाँ हैं, किस किस तरीके की समस्याओं प्रोजेक्ट्स में आई या आगे ये चीज़ें रिपीट ना हो उनको डिस्कस करें। और साया में ऐसा क्या है कि साया में जो क्यों इन्वेस्टमेंट करें या क्यों अच्छे लोग अच्छे कब तक फ्लैट देंगे सर, ये फ्लैट कब तक देंगे, जो ग्राहक बुक कराता है तो कब तक फ्लैट देंगे? जैसे आपने फ्लैट्स की बात की, अभी तक हमने 3 प्रोजेक्ट्स के जो डिलीवरी का काम किया, 2 प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर हुए, तीसरा प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 760 यूनिट में से 680 का ला के लोगों ने घर वापस अपना बसाना शुरू कर दिया। ऑन टाइम डिलीवरीज की बात करें तो साया होम के लोग दिल्ली NCR में बहुत अच्छे से पहचान हैं। अभी जो 4th प्रोजेक्ट जो हमारा डिलीवर होने जा रहा है 2019 में, ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है, तो लोगों को इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि हमने पैसा लगाया, आज हमारे घर मिल रहा है। नेशन 24 के लिए पटना से प्रीति सिंह के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।